वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स, जो हमारे पास टॉपिक्स है वह है अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन स्टैक। हमारी जो बात होगी आपसे यह बात होगी अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन स्टैक। अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन स्टैक टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बात भली भांति समझ में आना चाहिए कि जो स्टैक है एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर्स है। आपको ये भली भांति अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जो हमारे पास जो मैं स्टैक बोल रहा हूं, ये जो मैंने स्टैक बोला यह एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर्स है। डेटा स्ट्रक्चर्स इसका जो प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे रन करता है, इसका प्रिंसिपल है दो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जिसको आप पढ़ते हो लीफो, या ये इसका है फर्स्ट इन लॉस्ट आउट। फर्स्ट इन लॉस्ट आउट जिसको आप पढ़ते हो फिलो, जिसको आप पढ़ोगे फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब आते हैं, जैसे आप लिखते हो ना कि जो आपके पास होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यू कैन राइट द इनफिक्स नोटेशंस, प्रीफिक्स नोटेशंस या पोस्टफिक्स नोटेशंस। कहने का क्या मतलब है कि यदि आपने अरिथमेटिक की बात करें, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है आप लिख कितने में सकते हो, अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप तीन पार्ट में लिख सकते हो। किस पर? प्रीफिक्स नोटेशंस, और या आप इनफिक्स नोटेशंस, या पोस्टफिक्स नोटेशंस, या आप पोस्टफिक्स नोटेशंस। अच्छा, बात जानते हैं प्रीफिक्स नोटेशंस में आपका ऑपरेटर पहले होगा,
ऑपरेंड वन एंड ऑपरेंड टू। इन फिक्स नोटेशंस में ऑपरेंड वन यहाँ होगा, फिर आपके पास ऑपरेटर होगा, फिर होगा आपके पास ऑपरेंड टू। ऑपरेंड टू यहां पर आपके पास ऑपरेंड वन होगा, ऑपरेंड टू होगा, देन आपके पास ऑपरेटर होगा, देन आपके पास ऑपरेटर होगा। जरा बात समझिएगा, एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट हमारे सीओए में भी, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, तो स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में इसकी नोटेशंस की ज़रूरत मुझे पड़ती है। तो आप जो है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिव का कॉन्सेप्ट इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को आ रहा है। तो यदि आप मान लो कि यदि आपके पास कोई भी एक अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, कोई भी एक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, मैंने सिंपल सा लिया और सुनना मेरी बात को, कोई एक मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशंस मैंने लिया और मैंने आपसे बोला कि यक्स इक्वल टू, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि यक्स इक्वल टू 3 × 4 प्लस मैंने कहा 8 डिवाइड 4। या जो एक्सप्रेशंस है ना, या जो एक्सप्रेशंस है, ये आपका इनफिक्स नोटेशंस है। या जो एक्सप्रेशंस है, यह एक्सप्रेशंस ऑलरेडी आपका इनफिक्स नोटेशंस है, या ऑलरेडी आपके पास इनफिक्स नोटेशंस है, या ऑलरेडी इनफिक्स नोटेशंस है। क्यों इनफिक्स नोटेशंस है? ये ऑपरेंड वन हुआ, ये ऑपरेंड टू हुआ, बीच में ऑपरेटर है। अब यह एक ऑपरेंड बन जाएगा, ये एक ऑपरेंड बन जाएगा, बीच में एक ऑपरेटर है। यह एक ऑपरेंड वन है, एक ऑपरेंड टू है और बीच में ऑपरेटर है, तो यह इनफिक्स नोटेशंस होता है। बाय डिफॉल्ट जो आपका हम जो पढ़ते हैं और देते हैं वह इनफिक्स नोटेशंस में देते हैं, बट अब आप इसका चाहें इस इनफिक्स नोटेशंस का, तो आप जो है दो नोटेशंस कर सकते हैं। दो नोटेशंस जो है आप कर सकते हैं। क्या है दो नोटेशंस में? सिंपल सी बात है, दो नोटेशंस के लिए सबसे आसान सा तरीका है कि आप इसको प्रीफिक्स नोटेशंस में बदल सकते हैं। प्रीफिक्स नोटेशंस याद रखना, इसको बोलेंगे प्रीफिक्स नोटेशंस इसको बोलेंगे पोस्ट फिक्स नोटेशंस। अब ये है प्रीफिक्स नोटेशंस के लिए, यदि मैं यक्स की बात करें तो आपके पास यही प्रॉब्लम्स था 3 × 4 + 8 / 4। मैं चले, मैंने तो पैरेंथेसिस करके भी लिखा था। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे प्रीफिक्स के लिए, तो पहले आ जाएगा ऑपरेंड वन आएगा, ऑपरेंड टू आएगा, एक हो जाएगा। यह पूरा इंटायर ऑपरेंड हुआ, ऑपरेंड पहले आएगा, ऑपरेंड वन, ऑपरेंड टू, ये आया, ये ऑपरेंड वन हुआ, ये ऑपरेंड टू हुआ, यहां पर आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई 3 × 4 ऑपरेंड वन डिवाइड 8 और 4, ये आपका हो जाएगा, ये आपका प्रीफिक्स नोटेशंस हुआ, यह आपका प्रीफिक्स नोटेशंस हुआ। यानी आपको यक्स इक्वल टू मिल जाएगा प्लस मल्टीप्लाई
थ्री फोर एट और फोर, ये मेरा प्रीफिक्स नोटेशन हुआ। अब देखो ऑपरेंड पहले है, ऑपरेंड ऑपरेटर पहले है, देन ऑपरेंड वन है, ऑपरेंड टू है। अभी मैंने बात किया यक्स इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई फोर प्लस एट डिवाइड फोर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर बात समझना, ऑपरेंड वन ऑपरेंड टू देन मल्टीप्लाई प्लस एट हो जाएगा, फोर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यक्स इक्वल टू थ्री फोर मल्टीप्लाई ऑपरेंड वन ऑपरेंड टू फिर ऑपरेटर फिर ऑपरेटर। तो इस नोटेशंस को मैं बोलूंगा पोस्टफिक्स नोटेशंस। अब बात आता है कि इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, जरा बात सुनना। तो इसका सबसे बेहतरीन सा तरीका है कि यदि आपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को इनफिक्स से पोस्टफिक्स या इनफिक्स से प्रीफिक्स की ओर बदल रहे हो, यदि आपने इनफिक्स ऑपरेशंस को यदि आप कन्वर्जेंस कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, तो हमारे पास जो स्टैक है ना, वह हमारे पास स्टैक जो है दो तरह का होता है, बात याद रखना। जो हमारे पास जो स्टैक है, वह हमारे पास स्टैक जो है वह दो तरह का होता है। कौन कौन सा? हमारे पास एक स्टैक होता है ऑपरेटर स्टैक, ऑपरेटर स्टैक, और एक मेरे पास होता है ऑपरेंड स्टैक। मेरे पास एक होता है ऑपरेंड स्टैक, मेरे पास दो तरह का स्टैक होता है, एक होता है ऑपरेटर स्टैक, एक होता है ऑपरेंड स्टैक। यदि ऑपरेटर स्टैक की बात करें, ऑपरेटर स्टैक कंटेन्स द ऑपरेटर वैल्यू, कंटेन्स द ऑपरेटर वैल्यू। ऑपरेंड स्टैक कंटेन्स द ऑपरेंड वैल्यू, जरा बात समझना, सिंपल सा फंडा है। इससे क्या करते हो, इससे जो ना आप प्रीफिक्स इवैल्यूएट करते हो, पोस्टफिक्स इवैल्यूएट करते हो। इसीलिए हमारे कंप्यूटर में ऑलवेज पोस्टफिक्स लिखते हैं, क्योंकि वह नहीं पास में हो। ऑपरेटर स्टैक से हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स कन्वर्जन करते हैं। इनफिक्स टू अनदर नोटेशंस। अनदर नोटेशंस का मायने तो आप समझ गए होंगे कि मतलब मैं रखाने मतलब किया तो आप
प्रीफिक्स में जाओगे या तो पोस्टफिक्स में जाओगे। तो मैं एक न्यूमेरिकल्स लेता हूं और न्यूमेरिकल्स जो मैंने कहीं और से क्या मैं लूं, मतलब आपके पास जो पोस्टफिक्स नोटेशंस है, जो मैंने अभी जस्ट सॉल्व किया था पोस्टफिक्स के लिए, जो मैंने अभी आपसे बोला था कि एक्स इक्वल टू 3+4 मल्टीप्लाई 8 और 4 डिवाइड और प्लस, यही था आपके पास, आपके पास यही था। जरा बात समझो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले यदि मैंने आपसे बोला कि एक्स इक्वल टू, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले यदि मैंने आपसे बोला कि इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, तो मैंने बोला कि जो यदि आपके पास एक्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8 डिवाइड 4, तो आप लिख दोगे 4 3 12, यहाँ से हो जाएगा 2, आपके पास 14 उत्तर आएगा, यानी एक्स बराबर आपके पास उत्तर जो आने वाला है वह 14 आने वाला है। यह इनफिक्स इवैल्यूएशंस है, यह आपका इनफिक्स इवैल्यूएशंस है। यह मेरे लिए इनफिक्स इवैल्यूएशंस है, लेकिन जरा बात समझना, इसके लिए सीधा सा फंडा है। पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशंस को, इस पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशंस को सॉल्व करने के लिए यू कैन नीड्स ऑफ द ऑपरेंड स्टैक्स। इन ऑपरेंड स्टैक में आपको जो वैल्यू रखोगे ना, तो आप ऑपरेंड ही रखोगे। तो चलो ध्यान से देखो, यदि मैंने ये बोला कि मेरे लिए यह जो है ना, ये मेरे लिए ऑपरेंड स्टैक है। देखो यार, अब तो क्या होता है कि ऑपरेंड स्टैक में एक मुंह ओपन होता है, मैंने यहाँ पर अब नहीं कर पा रहा हूँ, एक मुंह आपका ओपन होगा, जो भी इंसर्शन या डिलीशंस होगा ओनली वन साइड, जिसको टॉप ऑफ स्टैक बोला जाता है, चाहे वो पुश ऑपरेशंस कर रहे हो चाहे पॉप ऑपरेशंस कर रहे हो, ये सारी बातें आप समझ रहे हो। अब सुनिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, खाली मेथड मैं समझा दे रहा हूँ। यदि आपके पास एक्स इक्वल टू, यदि ये है 3 × 4 × 8 4 / सुनना मेरी बात को, यू कैन स्कैन, यदि आप यहाँ से स्कैन करोगे, क्या करोगे, आप यहाँ से स्कैन करोगे, स्कैन करना चालू करोगे, जो ही आपने स्कैन करना चालू किया, सुनना मेरे लाल, जो ही आपने स्कैन करना चालू किया, ऑपरेंड मिलता जाएगा, यू कैन पुश अप द वैल्यू इन आवर स्टैक। सुनो मेरी बात, एक बार फिर से सुनो, यदि आपके पास यदि ऑपरेंड मिला, तो ऑपरेंड को आप जो है पोस्टफिक्स इवैल्यूएशंस में आप स्टैक में रखते जाओगे, नजर तुरंत जहां ऑपरेटर मिला स्टॉप हो जाना। मैं बताऊंगा कैसे होगा, थोड़ा मेरी तरफ ध्यान से देखो। यदि मैंने बोला कि यदि मेरे पास यदि स्कैन हमने चालू किया, लेफ्ट हैंड साइड से, और यदि मुझे ऑपरेंड मिला, तो ऑपरेंड मुझे मिला 3, तो मैंने 3 को रख लिया, फिर मैंने आगे बढ़ा तो मुझे मिला 4, सुना मेरी बात को बढ़िया से, फिर मुझे मिला फोर, मैंने फोर को भी रख लिया, जो ही मेरे फोर मिला, सुनना मेरी बात को, जो ही मुझे फोर मिला, अब मैं आ गया इस डिवीजन के पास, यदि मैं आके खड़ा हो गया, यदि मुझे पहला ऑपरेटर यदि मुझे मिला, फर्स्ट ऑपरेटर मिला, स्कैन करोगे लेफ्ट टू राइट इन ए पोस्टफिक्स इवैल्यूएशंस में लेफ्ट टू राइट स्कैन करोगे, जब तक ऑपरेंड वैल्यू मिलेगा, ऑपरेंड वैल्यू आर पुश्ड इन द स्टैक, जो ही ऑपरेटर मिलेगा आप स्टॉप हो जाना। मैं अब रूल बताने जा रहा हूं, तो ये वाला मेरे लाल क्या है तेरा, ये मेरे लिए स्टैक का टॉप ऑफ वैल्यू है।
अरे ये स्टैक का टॉप ऑफ वैल्यू है, तो पहले ये पुश होके ये राइट हैंड साइड में रखा जाएगा। ये गलती से इधर मत लेके चले आना, ये गलती से इधर मत लेके चले आना। फोर मिला, फोर को आपने इधर रखा, सुना मेरी बात को, फोर को आपने इधर रखा। जो ही यदि फोर को आपने इधर रखा तो आपने इसको इस तरह से कर दिया। ये बात क्लियर है? पक्का? हाँ सर क्लियर है। अब आपको सेकेंड ऑपरेंड चाहिए, ऑपरेंड तो आपने सेकेंड ऑपरेंड को यहाँ लिया, लेफ्ट साइड में रखा थ्री। कौन सा ऑपरेटर है? मल्टीप्लाई है, आप इसको करो मल्टीप्लाई हो जाएगा बारह। तो यहाँ से तो आपने इसको पॉप कर दिया ना कि जी सर मैंने तो इसको पॉप कर दिया, तो मैंने इसको पॉप कर दिया, मैंने इसको पॉप कर दिया। जो ही आपने पॉप किया यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिली, अब तो स्टैक पर तो कुछ है नहीं, तो आपने कहा सर मैंने यहाँ पर रख दिया बारह, हमने यहाँ पर रख दिया बारह। अब सुनना, अब जो ही अब आगे बढ़ोगे, अब आगे बढ़ोगे क्या मिला तुझे? आठ मिला। जो ही आठ मिला मैंने बोला कि जो ही ऑपरेंड मिलेगा आप रख दो। फिर मैंने आगे बढ़ा, मैंने आगे बढ़ा, फिर मुझे मिला फोर। हमने कहा ठीक है फोर को भी स्टैक के टॉप पोजीशन पर जाके रख दो, स्टैक के टॉप पोजीशन पर जाके रख दो। जो ही फोर मिला स्टैक के टॉप पोजीशन पर जाके रख दो, तो मैंने रख दिया। अब सुनना, अब मेरे को मिला डिवीजन, मेरे को मिला डिवीजन, मेरे लाल सुनो एक बार मेरी बात को, मेरे को मिला डिवीजन, रुक जाना यहाँ पर। जे ही डिवीजन मिला, तो जे ही डिवीजन मिला तो तेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि स्टैक के टॉप पोजीशंस वाले को करो बाहर, और जब बाहर करना तो राइट हैंड साइड लिखना। फिर इसके बाद स्टैक के टॉप पोजीशंस को करो बाहर, उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखना। याद रखना इसमें ऑपरेटर क्या है? डिवाइड है। जो ही ऑपरेटर यदि डिवाइड है, मेरी बात सुनना, तो ये तो तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया ना, ये भी तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया। जो ही कैंसिल आउट हुआ तदि आपने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद आपको मिला दो, और जो ही दो मिला तो स्टैक के टॉप पोजीशन पर ला के तो रखोगे? हाँ सर मैं स्टैक के टॉप पोजीशन पर ला के रखूँगा। फिर मैंने कहा कि अगला ऑपरेटर तेरा लाल कौन सा है? प्लस। तो जो ही प्लस हुआ तो हमने कहा कि दो को पॉप करके लाओ, और दो को पॉप करके लाओ, और ट्वेल्व को पॉप करके लाओ, और बीच में रख दो फोर प्लस, तो हो जाएगा फोरटीन। जरा बात सुनना, ये भी कैंसिल हुआ था, ये भी कैंसिल हुआ था, और लास्ट में आपको जो वैल्यू मिली थी वह वैल्यू मिली थी फोरटीन स्टैक के टॉप पर। और ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखो, ये हमारी दोनों वैल्यू मैच कर रही है, यानी आपका पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन पर आपको मिला 14। तो क्या समझ में आया कि जो मैंने स्टैक यूज किया है ये ऑपरेंड स्टैक है, जो मैंने स्टैक यूज किया ये ऑपरेंड स्टैक है, और ऑपरेंड स्टैक से हम इवैल्यूएट करते हैं पोस्ट फिक्स को। क्या मेथड होगा? लेफ्ट टू राइट स्कैन करोगे, ऑपरेंड मिलेगा, स्टैक में पुशअप करते चले जाओगे। जब आपको ऑपरेटर मिलेगा उस ऑपरेटर पर स्टैक के टॉप का जो ऑपरेंड होगा उसको लाओगे राइट हैंड साइड, उसके जस्ट नीचे वाला ऑपरेंड को लाओगे जस्ट उसके साथ में लेफ्ट हैंड साइड, बीच में ऑपरेटर डालोगे, इवैल्यूएट करोगे, स्टैक में ले जाके पुश कर दोगे। यही सारी कहानी है, अब इससे आसान दुनिया का कोई भी टीचर नहीं समझा सकता आपको, दुनिया का कोई भी टीचर्स इससे बेटर और आसान तरीके से नहीं समझा सकता, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो इस इवैल्यूएशंस को आपने सॉल्व किया, इसमें खास बात मेरे लाल ये है पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशंस में कि आप केवल ओनली वन पास में आप अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कर सकते हो, आपको बार बार मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो इवैल्यूएशंस होता है वो बाय डिफॉल्ट पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशंस होता है, पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशंस होता है, इस बात को नोट कर लेना। और आपको एक बात और भी मैं बता दूं, इस ऑपरेंडिस्ट यदि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस पोस्ट इवैल्यूएशंस के लिए, पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशंस के लिए ऑपरेंड स्टैक की मैक्सिमम साइज कितनी तक गई है, तो ऑपरेंड स्टैक की मैक्सिमम साइज एक दो तीन, मैक्सिमम आपने थ्री नंबर्स ऑफ एलिमेंट कैन बी फिल अप एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम्स इवैल्यूएशंस,
तो आप इसको बोलेंगे कि ऑपरेंड स्टैक की साइज जो मैक्सिमम गई है वो 3 तक गई है, यानी आपको मिनिमम ऑपरेंड स्टैक की साइज 3 तो रखनी ही पड़ेगी इस टाइप्स के, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चले अब बात करते हैं कि सर चलो आपने समझाया, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब आप मुझे बताओ कि इसका प्रीफिक्स इवैल्यूएशन जो है हम कैसे करते हैं। तो मैं बात कर लेता हूं प्रीफिक्स इवैल्यूएशन। आओ अदि में मेरे लाल, मैंने आपसे बोला कि इसका प्रीफिक्स इवैल्यूएशन के लिए, प्रीफिक्स इवैल्यूएशन के लिए भी आप जो है ऑपरेंड स्टैक ही यूज करोगे। प्रीफिक्स इवैल्यूएशन के लिए आप जो है ना ऑपरेंड स्टैक ही यूज करोगे। यूज कौन सा स्टैक करोगे? आप यूज करोगे ऑपरेंड स्टैक ही। प्रीफिक्स इवैल्यूएशन के लिए जो आप यूज करोगे वह यूज करोगे ऑपरेंड स्टैक। वह आप यूज करोगे ऑपरेंड स्टैक। सुनना मेरी बात को, ऑपरेंड स्टैक में यक्स इक्वल टू जो था वह मेरे लिए था प्लस था, 3 और 4 था मल्टीप्लाई था, 3 और 4 डिवाइड था, 8 और 4 ये मेरे पास क्राइटेरिया था, ये मेरे पास क्राइटेरिया था। सुनना मेरी बात को बड़े प्यार से सुनना, कभी भी गलत नहीं करोगे। सुनो, प्रेफिक्स इवैल्यूएशन जब करोगे ना तो आप एक रन टाइम स्टैक लो, यहाँ पर एक स्टैक लिया, कौन सा स्टैक? नॉट ऑपरेंड स्टैक, ऑपरेंड स्टैक। ऑपरेंड स्टैक का नाम ऑपरेंड क्यों पड़ा आप लोग को मैं जान रहा हूं, भले मेरे से आप दूर हो लेकिन मैं समझ सकता हूं, मेरी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे। ऑपरेंड स्टैक का मतलब यह है कि जिस स्टैक में हम ऑपरेंड रखते हैं, मतलब वैल्यू रखते हैं, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये मेरे लिए ऑपरेंड स्टैक है, ये मेरे लिए ऑपरेंड स्टैक है। इस ऑपरेंड स्टैक पर सर सिंपल सी बात है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब आप राइट से स्कैन करोगे। कहां से स्कैन करोगे मेरे लाल? राइट से स्कैन करोगे। सुनना मेरी बात को, प्रीफिक्स इवैल्यूएशंस विथ द हेल्प ऑफ ऑपरेंड स्टैक्स यू कैन मूव डाउन एक्सप्रेशंस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आप जो है मूवमेंट करोगे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट स्कैन करोगे। और सुनना, जो ही राइट टू लेफ्ट यदि आपने स्कैन करना चालू किया, जो ही आपने राइट टू लेफ्ट स्कैन करना चालू किया, अब सुनना मेरी बात को अच्छे से, जो ही आपको पहला मिला ऑपरेंड 3 आपको पहला ऑपरेंड मिला 4, तो आपने 4 को ला के रख दिया। आपको सेकेंड ऑपरेंड मिला 8, आपने ला के रख दिया 8। जो ही आपको पहला ऑपरेटर मिला, पहला ऑपरेटर आपको डिवाइड मिला, जरा बात सुनना, जो ही यदि आपको डिवाइड मिला मेरे लाल, यहाँ पर डिवाइड मिला, जो ही डिवाइड मिला, थोड़ा सा इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है, पोस्ट फिक्स में टॉप ऑफ स्टैक को ला के राइट में रखते हो, सेकेंड टॉप ऑफ स्टैक को ला के लेफ्ट में रखते हो, बट प्रीफिक्स इवैल्यूएशंस में, प्रीफिक्स इवैल्यूएशंस में टॉप ऑफ स्टैक्स आर लेफ्ट साइड और सेकेंड टॉप ऑफ स्टैक आर ए राइट साइड। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 4। यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसके बीच में यदि सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, आपको मिल जाएगा मेरे लाल 2। तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ और आपने इसको सॉल्व करके रख लिया 2, आपने इसको सॉल्व करके रख लिया 2। फिर आपने आगे बढ़ना चालू किया, जो ही मैंने आगे बढ़ना चालू किया तो हमारा सीधी सी बात है फिर मुझे मिलेगा 4 और 3। तो जो ही मुझे 4 और 3 मिला तो मैंने 4 रखा, यहाँ पर 3 रखा,
मैंने 4 रखा, यहाँ पर 3 रखा, तुरंत मुझे एक ऑपरेटर मिला मल्टीप्लाई। जो ही मुझे मल्टीप्लाई मिला, मैंने क्या बोला था इसमें कि जो टॉप ऑफ स्टैक है ना, वो पहले जाएगा 3, फिर आएगा 4, जिस तरह से है लेफ्ट और राइट 4, इसको किया मैंने मल्टीप्लाई, जो मेरे को रिजल्ट आया वो आया 12। जो ही मेरे को 12 आया, मैंने क्या किया कि 3 को कैंसिल, इसको कैंसिल, और मैंने इसको रख दिया स्टैक के टॉप पर 12। मैंने स्टैक के टॉप पर रख दिया 12 को मैंने यहाँ पर ला के रख दिया। अब सुनना, अब मेरे को जे ही मेरे को मिला प्लस ऑपरेटर, जे ही मुझे प्लस ऑपरेटर मिला, तो हमारा पहली प्रायोरिटी मैंने बोला था कि आपने इसको पहले यहाँ पर ले आया 12 और यहाँ से 2, ये इसी तरह का क्राइटेरिया फॉलो करते हुए आएगा यहाँ पर 2, फिर आपने दोनों को जोड़ा, आपको मिल गया सर 14। जे ही आपको 14 मिला तो 2, आप 12 को कैंसिल करो, 2 को कैंसिल करो, आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 14। तो ये 14 मिला मुझे। तो आपने क्या देखा कि यदि आपने ये देखा कि यदि आपने प्रीफिक्स इवेलुएट कर रहे हो, यू कैन इवेलुएट द प्रीफिक्स, तो आपको स्कैन करना होगा राइट टू लेफ्ट, और टॉप ऑफ स्टैक आपका लेफ्ट में होगा, सेकेंड टॉप ऑफ स्टैक राइट में होगा। ये बात को समझ लीजिए, यदि आपने पोस्टफिक्स इवेलुएट कर रहे हो तो आपको स्कैन करना होगा लेफ्ट टू राइट, टॉप ऑफ स्टैक का राइट एंड सेकेंड टॉप ऑफ स्टैक सारे लेफ्ट, देन यू कैन ऑपरेट। यदि यहाँ पर भी आपसे पूछा जाए कि ऑपरेंड स्टैक की साइज कितनी होगी, तो ऑपरेंड स्टैक की साइज आप बोलेंगे 3। ऑपरेंड स्टैक साइज मतलब आपको ऑपरेंड स्टैक की साइज आपको 3 चाहिए। अब सुनिए, इस इवैल्यूएशंस पर, इस अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ स्टैक पर आपको आता है कि आप जो है इन फिक्स ऑपरेशंस को पोस्टफिक्स ऑपरेशंस में विथ ऑपरेटर स्टैक कैसे बदलेंगे। चलिए, तो ये सी एक नॉर्मल सा सवाल कोई मैंने लिया समझाने के लिए, कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। मेरे लाल, इसके लिए जो आप स्टैक यूज करोगे ना, उस स्टैक को बोला जाता है ऑपरेटर स्टैक। उस स्टैक को कौन सा स्टैक बोलोगे, उसको बोला जाएगा ऑपरेटर स्टैक। ऑपरेटर स्टैक की खास बात क्या है, ऑपरेटर स्टैक कंटेंस द ऑपरेटर वैल्यू, ये मैंने बोल चुका हूं। यदि आपके पास x इक्वल टू 3 × 4 8/2 है, 3 × 4 + 8/2 है, तो सिंपल सा तरीका है कि आप जो है स्टैक लेंगे और स्टैक का नाम होगा ऑपरेटर स्टैक। ऑपरेटर स्टैक
कुछ इनके रूल हैं, उस रूल को आप लिख लो। रूल ये है, रूल मेरे लाल ये है, सुनना मेरी बात को। रूल क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? रूल ये है, रूल से है, सुनना मेरी बात को। रूल्स यह है कि यदि आपके अंदर ये आपके पास रूल, पहले लिख लो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रूल मेरा क्या है। यदि ये मेरे लिए ऑपरेटर स्टैक है, इस ऑपरेटर स्टैक पर यदि यहां पर कोई एक ऑपरेटर है, सुनना मेरी बात को, यहां पर ऑपरेटर है या प्रेजेंट है, और कहीं बाहर से एक ऑपरेटर आता है यहां आने के लिए, इनकमिंग ऑपरेटर, सुनना, इनकमिंग ऑपरेटर, जो अंदर ऑपरेटर है, जो अंदर ऑपरेटर है या लोअर प्रेसिडेंस का है, या लोअर प्रेसिडेंस का है, जो आ रहा है इनकमिंग ऑपरेटर, इनकमिंग ऑपरेटर जो आ रहा है वह हायर ऑपरेटर है, ये हायर ऑपरेटर है। जरा बात सर, जो ऑपरेटर स्टैक में जो ऑपरेटर रखा हुआ है, जो इनकमिंग ऑपरेटर आ रहा है वह हायर ऑपरेटर है, तो ओबियस सी बात है इस कंडीशंस पर यदि वह आपका पुश हो जाएगा, वह ऑपरेटर पुश कर दोगे ऑपरेटर स्टैक में। एक रूल तो ये हुआ। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू क्या बोलता है, रूल नंबर टू क्या बोलता है जरा ध्यान से सुनना, रूल नंबर टू क्या बोलता है जरा ध्यान से सुनना। वही सेम कहानी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। यदि मैंने आपसे बोला कि ये मेरे लिए ऑपरेटर स्टैक, ये मेरे लिए ऑपरेटर स्टैक, जो इसमें ऑपरेटर रखा हुआ है, जो इसमें ऑपरेटर रखा हुआ है और जो इनकमिंग ऑपरेटर आ रहा है, ये इनकमिंग ऑपरेटर, जो यह इनकमिंग ऑपरेटर आ रहा है, कहने का मतलब कि जो ऑपरेटर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन स्टैक, प्रेजेंट इन स्टैक, ये हायर प्रेसिडेंस का है, ये हायर प्रेसिडेंस का है, और जो ऑपरेटर इनकमिंग ऑपरेटर है, इनकमिंग ऑपरेटर है, वह आपका लोअर प्रेसिडेंस का है। तो याद रखना, एक हायर पर आके एक लोअर ऑपरेटर नहीं बैठ सकता। तो आपका इसके लिए क्या रूल होगा? रूल ये होगा, फर्स्टली पॉप हायर
प्रेसिडेंस ऑपरेटर, प्रेसिडेंस ऑपरेटर, ऑपरेटर सेकेंड, देन आफ्टर, देन आफ्टर, पुश, लोअर, प्रेसिडेंस ऑपरेटर, या जो भी मैंने रूल वन और टू लिखा, जो भी मैंने रूल वन और टू मैंने आपको लिखा, ये तब वैलिड है कि इनके बीच का प्रेसिडेंस डिफर है, या प्रेसिडेंस दोनों का डिफर है, हायर और लोअर पर गेम खेला। ये जो सेकेंड मैंने लिखा, ये भी सेम कहानी है कि जो मैंने आपके लिए पॉलिसी बनाई, यहां भी आपका प्रेसिडेंस डिफर है। आपका यहां भी प्रेसिडेंस डिफर है, तो यह मैंने पॉलिसी बनाई। जो मैंने या आपको पॉलिसी बनाई, वह पॉलिसी तब की है कि जब ये प्रेसिडेंस इनका डिफर है। ये बात क्लियर है ना आपको? अब बात आती है कि सर चलो दो प्रेसिडेंस डिफर में तो आपने एक पॉलिसी ये बना डाली कि जो अंदर ऑपरेटर रखा है वह ऑपरेटर लोअर प्रेसिडेंस का है, जो इनकमिंग ऑपरेटर आ रहा है वह हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर आ रहा है, तो आपने इनको पुश कर दिया, लाके रख दिया। बट आपने बोला कि सर अंदर आदि जो ऑपरेटर पड़ा है, ऑपरेटर प्रेजेंट इन स्टैक आपका हायर प्रेसिडेंस का है, और जो इनकमिंग ऑपरेटर आ रहा है वह आपका लोअर प्रेसिडेंस का है, तो आपने पॉलिसी बनाया कि पहले हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर को पॉप करोगे। यहां पर पॉलिसी ये बनी कि ये इसके लिए पॉप होगा और देन ये क्या होगा, पुश होगा, देने पुश होगा। सर रूल नंबर थर्ड, सर रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या है कि अब यहां पर इस रूल नंबर थर्ड के लिए आपके लिए प्रेसिडेंस डिफर नहीं होगा। मैं यहां पर बोल रहा हूं बोथ ऑपरेटर, बोथ ऑपरेटर नॉट प्रेसिडेंस डिफर एंड बोथ ऑपरेटर आर लेफ्ट एसोसिएटिव, बोथ ऑपरेटर आर लेफ्ट एसोसिएटिव। चलिए अब इसके लिए जब आपने टॉपिक लिख लिया तो आपका सीधी सी बात है, ये आपके पास ऑपरेटर स्टैक है, ये मेरे लिए ऑपरेटर स्टैक है, यहां पर आपने ऑपरेटर रखा, ये प्रेजेंट है, जो इनकमिंग ऑपरेटर आ रहा है चाहे जो यहां रखा है, मैं इसके लिए बोल रहा हूं प्रेसिडेंस सेम है, एंड एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है,
एसोसिएटिव लेफ्ट टू राइट है। तो एसोसिएटिव लेफ्ट टू राइट है ना, तो समझिएगा ऑपरेटर इनसाइड द जो आपके पास इनकमिंग ऑपरेटर आ रहा है तो आपका रूल ये होगा पॉप द पॉप द पॉप द इनसाइड ऑपरेटर्स देन आफ्टर पुश इनकमिंग ऑपरेटर्स देन पुश इनकमिंग ऑपरेटर्स। देन पुश इनकमिंग ऑपरेटर्स। अब बात सुनना, रूल नंबर फोर क्या कहता है। रूल नंबर फोर कहता है रूल नंबर फोर आपसे कहता है रूल नंबर फोर आपसे कहता है बोथ बोथ ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव राइट टू लेफ्ट है। एसोसिएटिव राइट टू लेफ्ट है तो इसका एक ही तरीका है, इसका एक ही तरीका है ऑपरेटर स्टैक। यदि जो यहां पर ऑपरेटर है इनसाइड और जो इनकमिंग ऑपरेटर आ रहा है दोनों का प्रेसिडेंस सेम है बट बट एसोसिएटिव बट एसोसिएटिव राइट टू लेफ्ट है तो आपका उत्तर क्या होगा।
इनकमिंग ऑपरेटर इनकमिंग ऑपरेटर इनकमिंग ऑपरेटर इनकमिंग ऑपरेटर पुश ऑन टू द पुश ऑन टू द स्टैक आपके स्टैक पर पुश कर दिया जाएगा। ये मेरा टोटल चार मेथड था, बस ये मेरा टोटल चार मेथड था। और इस चार मेथड पे आप किसी भी इनफिक्स ऑपरेशंस को आप बदल सकते हो पोस्टफिक्स ऑपरेशंस पे। तो आते हैं, आपको मैंने डिटेल समझाया हर ऑपरेटर के बारे में। तो कन्वर्जन से पहले मैंने क्या ये रूल लिखा था, रूल आपको समझ में आ गया। देन हम बात करते हैं कन्वर्जन से लेते हैं, उस कन्वर्जन को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। कन्वर्जन क्या है मेरे पास, कन्वर्जन ये है कि यक्स इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई फोर प्लस एट डिवाइड फोर। आप ऑपरेटर स्टैक को रखें और आपसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, इस ऑपरेटर स्टैक के पास वैल्यू आपके पास अंदर ऑपरेटर जाएगी, इस ऑपरेटर स्टैक पर। तो जरा बात समझना, स्कैन आपने किया, जी सर, जो ही मैंने स्कैन किया मेरे को मिला थ्री। आप जो है इधर से स्कैन करना चालू करेंगे, आप स्कैन करना चालू किए, तो यक्स इक्वल टू मुझे मिला थ्री, जे ही मल्टीप्लाई मिला मल्टीप्लाई लिया कर रख दिया, फिर मुझे मिला फोर, जे ही मुझे मिला प्लस, प्लस आया मल्टीप्लिकेंट इज ए हायर प्रेसिडेंस देन एडिशंस, मल्टीप्लीकेशन इज ए हायर प्रेसिडेंस देन एडिशंस। तो मैंने क्या बोला था, यदि अंदर हायर प्रेसिडेंस का है और आने वाला इनकमिंग ऑपरेटर जो है ना वो लोअर प्रेसिडेंस का है, तो हायर प्रेसिडेंस पहले बाहर होगा, हायर प्रेसिडेंस पहले बाहर होगा, और बाहर होने के बाद यहाँ पर लिख दिया जाएगा, यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और देन उसके बाद लोअर प्रेसिडेंस यहाँ पर रखा जाएगा। अब आगे बढ़ा, फिर मुझे मिला एट, फिर मुझे मिला एट, फिर मुझे मिला डिवीजन्स, फिर मुझे क्या मिला डिवीजन्स। जो ही मुझे डिवीजन्स मिला, यहाँ अंदर इनकमिंग ऑपरेटर है लोअर प्रेसिडेंस का, जो आने वाला ऑपरेटर है हायर प्रेसिडेंस का है, तो यू कैन डिवीजन्स आप ला के पुश कर दोगे। फिर मुझे मिला फोर, फिर मुझे मिला फोर। अब कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो लास्ट में एक सिंबल होता है डॉलर, वो डॉलर बोला जाता है कि यू कैन ऐड द डॉलर इवेल्युएट करने के लिए। फिर मुझे मिला डॉलर, डॉलर आपका सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस होता है, तो कंपेयर हुआ तो यहाँ से मिल गया डिवाइड, और यहाँ से पॉप हुआ, ये पॉप हुआ, यहाँ पर मिल गया मुझे प्लस, तो यक्स इक्वल टू मुझे मिल गया थ्री फोर मल्टीप्लाई एट फोर प्लस, ये मुझे मिल गया।
सिंपल सी बात है, या मुझे मिल गया। तो आपने देखा कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ स्टैक, जो मेरी टॉपिक चल रही थी, अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ स्टैक्स किस तरह से वैल्यूएट होता है, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो आप प्रॉपर नोट्स को बनाएं, नोट्स को बनाने के बाद जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स हैं आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।